हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि ये इंडिपेंडेंस डे के लिए रेनबो मैंने अपना तिरंगा झंडा का आई शेड लगाया है। तो इस आई शेडो को मैंने कैसे लगाया है और कौन कौन से टेक्निक लिए हैं मैंने और कौन कौन से आई शेडो लिए हैं और किस तरीके से मैंने ये लगाया है और ये आई लाइनर कितना प्यारा लगा हुआ है और कलर कितने प्यारे पॉप आउट हो गए हैं। तो आपको ये सब सीखने हैं तो आ जाइए मेरे साथ, तो पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देख लेना और बहुत मस्त लगेगी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कंसीलर अपने हैंड पर ले लिया है, जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना अपने लिए निकाल लिया है। मैं अपने ब्रश को ख़राब नहीं करूँगी, अपने कंसीलर को ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि हमको अब जो अपने मेकअप होते हैं वो किसी और के ऊपर भी यूज़ करने होते हैं तो हमें हमेशा अपना अलग से निकाल के रख लेना चाहिए जो हमको जितना यूज़ करना है, और ब्रश भी हमें ऐसा अलग ही रखनी चाहिए अपनी। तो मैंने अपनी आईब्रो मतलब डिफाइन कर ली है और अपना कंसीलर लगा लिया है। कंसीलर लगाने के बाद मैं सेम कलर का जो मेरी आई शेड मतलब जो कंसीलर लगाया है सेम कलर का मैंने पाउडर लगा दिया है, पाउडर फॉर्म में मतलब आई शेडो ही लगा लिया है। फिर मैंने लिया तिरंगा झंडा का सबसे पहला कलर अपना ऑरेंज कलर, नारंगी कलर या गेरुआ मतलब जो क्या बोलते हैं एक और कलर बोलते हैं वो याद नहीं है मुझे, तो उस कलर को मैं लगा लूँगी अपनी जो क्या बोलते हैं कट ग्रीज हैं, कट ग्रीज के अपर साइड पे सबसे और ज़्यादा ऑरेंज कलर शेड लगा लूँगी मैं, और ऑरेंज शेड को हमको अच्छे से ब्लेंड करके लगाना है। तो मैंने आपने देख लिया होगा कि मैंने थोड़ा सा ऑरेंज लिया, थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने रेड शेड लिया, रेड शेड इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा डार्क हो जाए ऑरेंज अपना पॉप आउट होके आए, क्योंकि ये लाइट कलर होते हैं तो इतने ज़्यादा जल्दी पॉप आउट होके नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने ऑरेंज के साथ थोड़ा सा रेड मिक्स करके लिया और थोड़ा सा फिर मैंने डार्क ऑरेंज लेके अपने मतलब जो आई शेडो है उसको लगा लिया आईज पर, और ये बहुत ही अच्छे से लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मतलब मैं इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ले जा रही हूँ और ये बहुत अच्छे से लग जाएगा, और आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, आपको थोपना नहीं है मेकअप, जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना आपका मेकअप टिकेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बस चिपका लिया है और बस बेकार। फिर मैंने अपनी जो कट क्रीज बनाने वाली हूँ मैं, तो कट क्रीज के लिए मैंने नीचे अपने जो लैशेस पे कंसीलर लगा लिया है, गाइडलाइन बना के लेने लिए मैं अपने आईज को ओपन कर लूँगी प्रॉपर वे में और उससे गाइडलाइन ले लूँगी। तो मैंने गाइडलाइन ले ली है अपने कंसीलर की, आप देख सकते हैं बहुत ईजीली आप अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं कहाँ तक हमें अपना कंसीलर लेना है कहाँ तक नहीं। फिर ये मैंने पूरा जो मतलब इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक मैं इस कंसीलर को लेके जाऊंगी, और बहुत आराम से ध्यान से काम करना है, प्यार से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप टाइम लेके काम करो, पहले ही बहुत मतलब देर से पहले से ही काम करना चालू कर दो, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो वही काम होता है जल्दबाजी का, शैतान का काम होता है, तो शैतान हमें बनना नहीं है, तो इसलिए आराम से काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी जो कट क्रीज है अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, कंसीलर को अच्छे से लगा रही हूँ, अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही शेप देना है और बहुत ईजी बहुत आराम से, और आप देख सकते हैं कि फिर मैंने उसके बाद फिर से मैंने कंसीलर के ऊपर एक पाउडर फॉर्म लिया है ताकि मेरा बेस लॉक रहे और बेस ख़राब ना हो, इसलिए मैंने अपना बेस पर पाउडर फॉर्म लिया है। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना है तो मैं क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना जो हाइलाइटर था वाइट वाला और आई शेडो में ही आता है ये, तो मैंने शाइनिंग वाला हाइलाइटर सेम कलर का अप्लाई कर लिया मैंने आईज पर, और इससे जो मेरा आई मेकअप था ना वो मतलब मज़ा आ गए थे, चमक रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था इसके बाद।
जो मैंने आई शेडो लगाया इस बहुत, मतलब मुझे खुद से लग रहा था कि वाह क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। और फिर मैंने लगाने के बाद देखा था कि कितनी शाइन आ गई है और कितना अच्छा लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव कर रहा है ये आई मेकअप मुझे। सिर्फ इसी को लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है, पर मुझे आगे भी करना है। मेरे को एक कलर और चाहिए इसमें, अपना ग्रीन कलर। अगर ग्रीन नहीं लेंगे तो झंडा का कलर कंप्लीट ही नहीं होगा, तो वो लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने फिर अभी मतलब मैं लगा नहीं पा रही थी फिंगर से, तो मैंने सोचा जो मेरे जो कॉर्नर हैं उनको मैं सिर्फ ब्रश से हाईलाइट करूँगी, क्योंकि फिंगर से ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने ग्रीन आईलाइनर ले लिया है, और आईलाइनर को भी मैं बहुत डिफरेंट तरीके से लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, आपने पहले देख लिया होगा कि मेरे डिफरेंट तरीके से लगी रहा है आईलाइनर, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जिस टेक्निक से मैं लगा रही हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप बहुत इजी वे में लगा सकते हो इस आईलाइनर को, और बहुत ही अच्छा लगता है ये ऐसे लगा के। एक मतलब डिज़ाइन आ जाता है और एक बहुत यूनिक लगता है, सिंपल नहीं लगता। आपने जो सिंपल आईलाइनर लगा लगा के तो दुखी हो जाते हैं, पर ये एक आईलाइनर नया वाला है, इसको यूज़ करें, इस तरीके से लगाएं, और बहुत सिंपल भी है, सादा भी है। आप अपने अच्छे से लगा सकते हो अपने हाथों से, आप देख सकते हैं मैं भी अपने हैंड से ही लगा रही हूँ। और बहुत से होते हैं कि अपने हाथों से नहीं लगा पाते हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत सारे हैक डालती हूँ कि अगर आपको नहीं लगा पा रहे हो तो आपको कैसे लगाना है। तो मेरी वीडियोस पूरी देखा करिए, और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, और सब्सक्राइब भी करिए, मुझे कमेंट भी किया करिए, मैं भी लाइक करूँगी, कमेंट को आपको रिप्लाई भी करूँगी। और आप मेरे को बताया कीजिए कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, और मैं उसी तरीके की वीडियो लाया करूँगी। आप देख सकते हैं कि आईलाइनर कितनी आसान से लग गया है, कितनी इजीली लग गया है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं कि अपना जो तिरंगा झंडे के कलर है वो आ चुके हैं आइस पर, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जब मैं अगर जाऊँगी राष्ट्रगान गाने या डांस करने तो सबकी नज़र मेरे ऊपर ही रहने वाली है, और सब मुझे ही देखने वाले हैं। मैं डांस करने वाली हूँ, सिर्फ आई मेकअप में ही फोकस रहने वाला है सब लोगों का। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे को यहाँ मेकअप को अपने डिफाइन करना है, क्लीन करना है, तो मेरे को अच्छे से कंसीलर लेके मैंने अपना मेकअप क्लीन किया, क्योंकि मेकअप अजीब ना लगे, जो हमारे पैचेस बन जाते हैं वो दिखे ना। तो मैंने मेकअप क्लीन करना भी बहुत मेन होता है अपना मेकअप में, तो मैंने मेकअप क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये कितना मतलब साफ, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन क्लीन लग रहा है। जैसे कि काम करने के बाद हमको साफ कर देते हैं, तो हमें मेकअप में भी अपना कोई भी गंदगी नहीं दिखानी है, बिल्कुल क्लीन करने जाएँ। फिर इसके बाद मैंने पाउडर लगाया, पाउडर से अपना मेकअप और अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी, इसमें ऐड करूंगी, जिससे मेरी आंखें और प्यारी लगेंगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी, आँखों पर ही दिल आ जाएगा सबका, बस आंखें देख के ही वाह वाह। तो मैंने काजल लगा लिया है, आपको तो पता ही होगा कि मेरा नाम काजल है और मेरा चैनल भी काजल के नाम से है। तो मतलब मेरे को सोचा नहीं था कि मेरा नाम ये होगा और मेरा जो प्रोफेशनल है यही होगा, तो मतलब अच्छा है अपने मेरे लिए। और फिर इसके बाद मैंने अपने मेरा काजल पहले ना, उसके लिए मैंने आई शेडो से इसको स्मश कर लिया था अच्छे से, ताकि मेरा काजल इधर उधर ना निकल जाए, फैल ना जाए।